जी बच्चों तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो हम हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट बनाए करते हैं वन इज कैपिटल अकाउंट एंड द अदर वन इज करंट अकाउंट तो वैन एवर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मैथड देन टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर फॉर ईच पार्टनर अकाउंट नंबर वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अकाउंट नंबर टू इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स थ्रू आउट द ईयर अनलेस देयर इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अ पार्टनर और कैपिटल विदड्रॉन बाय द पार्टनर यानि कि अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता या फिर कैपिटल विड्रॉन नहीं करता तो उसी कैपिल अकाउंट फिक्स ही रहा करती है यानी कि जो कैपिटल उसके साल की शुरुआत की है वही कैपिटल साल के एंड में आ जाएगी अगर कैपिटल को चेंज करना है तो दो परमानेंट नेचर के काम करनी पड़ेंगे या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी या फिर कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी अगर किसी भी साल में से कोई भी काम नहीं हुआ तो जो कैपिटल ओपनिंग है वही क्लोजिंग हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैक्स टू मैक्स चार चीज़ें ही आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मैथड ओपनिंग कैपिटल जिसे हम बाय बैलेंस बॉट डाउन लिखते हैं एडिशनल कैपिटल जिसको हम बाय कैश या बैंक अकाउंट लिखा करते हैं कैपिटल विड्रॉ जिसको हम टू बैंक या कैश लिखा करते हैं और क्लोजिंग कैपिटल जिसको हम टू बैलेंस का रिटडाउन लिखा करते हैं कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैक्स मैक्स टू चीजें ही आ सकती हैं दो क्रेडिट साइड में ओपनिंग और एडिशनल और दो डेबिट साइड में पार्टनर्स को हर साल दी जाती है, जो की है, जो दी उनसे दी जाती है या जाता है वो सब चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर शो की जाती हैं ठीक है थीके? जो रेगुलर की चीजें हैं आर शोन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर डेबिट है तो लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है अब पार्टनर्स को सैलरी का मिलनी है सपोज हर साल तो बाय सैलरी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को कोई कमीशन मिलना है तो बाय कमीशन पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा उस साल का वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपेशन अकाउंट अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल पर्सनली जो पैसा निकाला होगा वो आएगा टू ड्राॅइंग्स अकाउंट अगर उस ड्राॅइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया गया होगा तो वो आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट अगर किसी साल कोई लॉस हुआ होगा तो वो आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो टू बैलेंस कैरेट डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग के लिए बाय बैलेंस के ब्रॉड डाउन क्लोजिंग के लिए टू बैलेंस के रिट डाउन अगर वो डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग के लिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और क्लोजिंग के लिए बाय बैलेंस का रिट डाउन तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट में तो गिनती की चार चीज़ें ही आएंगी ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बाकी सब चीज़ें जो रेगुलर नेचर की हुआ करती हैं रूटीन नेचर की हुआ करती है, हैं यानी कि हम सिंपल ऐसे हैं कि जो अप्रोप्रेशन होते हैं वो सब चीज़ें आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ही शो किए जाते हैं तो इस तरह से हम हर पार्टनर के लिए टू अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड वन इज कैपिटल अकाउंट अदर इज करंट अकाउंट लेकिन अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं तो वो हर ट्रांजेक्शन की वजह से चेंज होता रहता है क्योंकि तो उसमें फिर वो परमानेंट नेचर वाली चीज़ें भी आती हैं और साथ साथ रेगुलर नेचर वाली चीज़ें भी आती हैं जो हर साल हुआ करती हैं क्योंकि हम केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड हम करंट अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है सब कुछ उसी में आता है ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एडिशनल कैपिटल बाय कैश या बैंक कैपिटल विड ड्रॉन टू या बैंक ठीक है ड्राॅइंग्स टू ड्राॅइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की सैलरी बाय सैलरी पार्टनर कमीशन बाय कमीशन पार्टनर का प्रॉफिट बाय पीनल प्रोप्रिएशन पार्टनर का लॉस टू पीनल अकाउंट और फिर, फिर क्लोजिंग्स तो, के जो दो अकाउंट है एक करंट अकाउंट कैपिटल में वही सब चीजें आएंगी जो परमानेंटर की होती है जो कभी बार की जाती है जैसे कि कैपिटल विद्रॉन बाय द पार्टनर और कैपिटल रिड्यूस बाय द अगर ऐसा काम नहीं होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो जाएगी और जो रूटीन नेचर की चीज़ें हैं जो अप्रोपरिएशन वाली चीज़ें हैं वो हमेशा करंट अकाउंट के अंदर आया करती हैं लेकिन फ्लक्चुएटिंग मैथड में केवल हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन कर रहे हैं और सब कुछ उसी के अंदर आया करता है चाहे वो रेगुलर नेचर की चीज़ें हों चाहे वो परमानेंट नेचर की चीज़ें हों तो कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है विद एवरी ट्रांजेक्शन ठीक है क्लियर ओके